की सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, मित्रों को, सखियों और सहेलियों को छुटकी बहुरिया और बुआ जी का नमस्कार। नमस्कार। और जी और क्या क्या और क्या और ये बुआ जी की काफी दिनों बाद मुलाकात हुई, और जब पिछली बार हमारी आपकी मुलाकात होनी थी तो ऐसा बना था संजोग कि आपकी जगह मौसी से मुलाकात हुई थी। और तुम्हारी मुलाकात तो हुई थी, हमारे श्रोताओं की भी हुई थी, और बड़े खुश हुए थे सब लोग। तो ऐसे जो इस तरीके के जो अचानक से बदलाव ना, अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और जब कुछ इस तरीके का कहना चाहिए ना कि सरप्राइज मिलता है तो चौंका देता है, तो ये मन के अंदर एक लहर सी उठ जाती है कभी कभी, बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, अच्छा लगता है। और जो ये जो सरप्राइज होता है जिंदगी में भी, सरप्राइज जो है अक्सर जैसे कि हम अपना भविष्य जानने के लिए बड़े इच्छुक रहते हैं, लेकिन अच्छा है कि उसको छोड़ दीजिए और उसको ऐसे ही सरप्राइज रहने दीजिए। बिल्कुल, है ना, सस्पेंस बना रहने दीजिए कि जिंदगी में आगे क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, उसका स्वागत कर लेंगे, तो जो भी मिले उसका स्वागत जैसे हमारे साथियों ने उस दिन किया था वैसे ही करना चाहिए। हाँ, और आज के विषयों की बात कर लें तो आज विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस है, जो कि पाचन संबंधी मुद्दों पर बात करेंगे हम। इसमें क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। और जो पाचन शक्ति हमारी, उसका स्वास्थ्य कैसे बिगड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। हाँ। और अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस भी है। बिल्कुल। और इसके अलावा एक बहुत गंभीर समस्या के रूप में एक बात उभर कर आ रही है, जो ना सिर्फ बच्चों में बल्कि अब तो बड़ों में भी देखने को मिल रही है। वो एक ऐसी लत है जो शुरुआत में तो मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब एक विकार के रूप में स्वास्थ्य उसमें सामने आ रहा है। तो वीडियो गेम की लत के बारे में हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, और लत जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लत तो लत होती है, चाहे वो अच्छी चीज की हो या बुरी चीज की, वो हमें गुलाम बना लेती है। तो आजकल ये प्रचलित है। और मौसम की जब बात करते हैं, हम कहते हैं स्वागत करिए हर चीज का, लेकिन लू का भी स्वागत अगर करना है तो किन किन बचाव सावधानियों के साथ करना है, और क्या करना चाहिए, क्या किन चीजों से बचना चाहिए, ऐसा हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ थोड़ी पेट पूजा की भी बात करेंगे, करना ही पड़ेगा, पाचन स्वास्थ्य संबंधी दिवस है आज तक, तो भैया पाचन की बात करोगी फिर बताओगी कुछ बढ़िया बढ़िया खाने के लिए, फिर कहोगी ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, हमारे तो समझ नहीं आता। थोड़ा अच्छा अच्छा ऐसा स्वास्थ्य वर्धक चीज बताएंगे जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं हो, देखते हैं हम अभी। चलो ठीक है, पहले कार्यक्रम शुरू करो, मतलब बाकी चीजें शुरू करो विषय, तब हम देखते हैं कि क्या स्वास्थ्य वर्धक है उसमें, बताएंगे कुछ बर्फ खाइए, ये खाइए, वो खाइए, उसके बाद कहेंगे स्वास्थ्य बन रहा है। तो गर्मी भी तो है कितनी, पारा इतना ऊपर जा रहा है जी, तो मतलब बर्फ देख के मन में सुकून मिल जाता है, लेकिन जब गीत सुनते हैं तो भी बड़ी राहत मिलती है। बिल्कुल। प्यार कहेंगे अजी इसे, प्यार कहेंगे अजी इसे, प्यार कहेंगे अजी इसे, प्यार कहेंगे। गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे, गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। छाया है, करार होके ही दिल ने करार पाया है, हाँ करार होके ही दिल
ये बात बढ़ी तो लोग क्या कहेंगे, धीरे धीरे ये बात बढ़ी तो लोग क्या कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे। जी, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस हमारे साथी लिख रहे हैं, हम इसलिए मना रहे हैं अर्थात इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं ताकि हम सभी का पाचन प्रणाली पर हमारा हमेशा ध्यान रहे, क्योंकि भोजन का पाचन अच्छी तरह से होना जरूरी होता है, सारा स्वास्थ्य इसी से जुड़ा होता है। हमें सुपाच्य भोजन करना चाहिए ताकि हमारा पाचन तंत्र सही रहे, और सभी को इसके बारे में जागरूक करने के लिए दिन हम मना रहे हैं। बिल्कुल, हर साल 29 मई यानी आज के ही दिन मनाया जाने वाला विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत सन 2004 में हुई थी। जी, तो यानी कि स्वस्थ जीवन शैली हमारी रहे, पोषण जो हम लेते हैं वो सही रहे, रोज व्यायाम जो करें तो इससे हमारा जो पाचन तंत्र है वो भी स्वस्थ रहेगा, और जो भी स्वास्थ्य से संबंधित समुदाय हैं, संगठन हैं, वो इन मुद्दों में, इस मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं और अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, जैसा कि सभी होता है, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, अभियान आयोजित करते हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर कहीं ना कहीं छुटकी हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है ना कि इसके बारे में खुद भी जागरूक हों और आसपास लोगों को बताएं, पूछें क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, समझ ही नहीं पाते कि हमारा पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है और इसलिए हमें जो है परेशानी हो रही है, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है ना। हाँ, और विशेष रूप से आज के दिन हुआ स्कूल्स में थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, विद्यालयों में या महाविद्यालय स्तर पर, कि बच्चों को किसी डॉक्टर को या मतलब बुला करके उनपे एक सेमिनार टाइप का करवाया जाता है ताकि बच्चे न सिर्फ समझ सकें बल्कि उन चीज़ों को लेकर के जागरूक हो सकें, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आजकल हम लोगों की जो जीवन शैली है, बहुत सारा खाना ऐसा भी है जो नहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है, लेकिन हम लोग क्योंकि स्वाद उसमें ऐसा मिलता है वो खाते हैं तो वो चीजें नुकसान पहुंचते हैं और बच्चे स्वाद के पीछे भागते हैं और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, तो आज के दिन को एक मंच दिया जाता है कि मतलब इस बारे में खुद भी बात करें, चर्चाएं करें, डिबेट्स करें। बिल्कुल सही बात है, और जो स्वास्थ्य के लिए चीज अच्छी है, कैसे हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करती है और कैसे स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहे, स्वाद भी अच्छा रहे, इसका बारे में जानना बहुत जरूरी है। उद्देश्य यही है कि संतुलित आहार का जो महत्व है उसको समझना और अच्छे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन और माइक्रोबायोम स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना है। तो कुल मिलाकर स्वस्थ रहना ही हमारा ध्येय है, लेकिन ये छोटी छोटी जो हमारे पूरे शरीर में अलग अलग तंत्र हैं, है ना, तो पाचन तंत्र है, एक तंत्रिका तंत्र है, ऐसे ही बहुत सारे तंत्र हैं, तो इस तंत्र की तरफ ध्यान नहीं जाता है क्योंकि यह सामने से हमें दिखाई नहीं देता है।
तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, और इस वर्ष की जो थीम रखी गई है बुआ, वो विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी संगठन WGO ने विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जो रखी है वो है योर डाइजेस्टिव हेल्थ मेक इट अ प्रायोरिटी, यानी कि इसको प्राथमिकता बनाएं अपने पाचन स्वास्थ्य को। क्योंकि हमारे साथी ने बड़ी अच्छी सी पंक्तियां लिखकर भेजी है, पाचन शक्ति, मानव होगा सदा निरोगी स्वस्थ यही यदि होगा पाचन, मानव होगा सदा निरोगी स्वस्थ यदि होगा पाचन, खान पान संयमित रहे, नियमित व्यायाम आसन, षड्रस का संतुलित पान हो, सुपिच्य दैनिक भोजन, सुपाच्य होगा सुपाच्य दैनिक भोजन, जठराग्नि बनाएं प्रबल स्वस्थ मस्त जीना जीवन, इनको अपनाकर देखो पाचन शक्ति को पाना, रोटी को पीना भाई पानी को रोटी सा खाना, पाचन शक्ति प्रबल बनेगी स्वस्थ रहेगा सब तन मन। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, रोटी को पीना भाई, यानी कि रोटी को इतना चबा लें कि वो पानी जैसी हो जाए। हाँ। और पानी को ऐसे पीना जैसे हम रोटी खा रहे हैं, यानी बहुत धीरे धीरे पानी पीना चाहिए और रोटी को इतना चबा लेना चाहिए कि कहते हैं ना कि दांत का जो काम है वो आंतों को या हमारे उसको ना करना पड़े। जाए। जी बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जिनसे मिलकर हमारा पूरा पाचन तंत्र बना है ना। हाँ, और अब थोड़ा सा लापरवाही भी जीवन में रहती है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा, कि खाने पीने की चीजों पर जो नहीं ध्यान दिया जाता है, स्वास्थ्यकर और अस्वास्थ्यकर को एकदम इतना मिला लिया गया है कि स्वाद के पीछे इतना भाग रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई समस्या छोटी मोटी होती है जैसे पेट में दर्द होना या ऐठन उठना, तो उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, ये भी एक कहीं ना कहीं कारण है लापरवाही ये जो है भाई। तो बड़ी चीज तो हम कह रहे हैं ना कि जो हमारा ये मंच है वहां पर हम यही बताएंगे कि जो इसके साथ होने वाले जो विकार हैं, जो दिक्कतें होती हैं, वो यह है गैस्ट्रो ओसोफेगस रिप्लेक्स होते हैं, इसमें GRD भी कहते हैं, इसमें चिड़चिड़ापन हो जाता है। मतलब देखो कहीं ना कहीं जब आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो कैसे हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं, आप जो खा रहे हैं वो आपके शरीर में नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जितनी जो ऊर्जा है, हाँ, पैसा जो लग रहा है, वो सारी चीजें जो है वो पानी में जा रही हैं। और आंतों की अगर बात करें तो चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम हो जाता है, IBS हो जाता है, आंतों में सूजन हो जाती है, सिलिएक और पित्त पथरी जो है ये शामिल है इसमें। तो कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं। कुल मिलाकर क्या होता है कि शरीर जो हमारा जो है वो रोगी होने लगता है, कमजोर होने लगते हैं, और उन सब चीजों का असर हमारी नींद, हमारे स्वास्थ्य, उसके बाद हमारी जीवन शैली के बाद फिर हमारी कार्यप्रणाली पर आता है, और जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें सफलता हासिल नहीं होती है। अब जब हम सफल नहीं होते हैं तो फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो एक चक्र है जिससे हम निकल नहीं पाते हैं। और ये अस्वस्थ कर आहार और आदतें जो होती हैं, या अधिक मात्रा में शराब और कैफीन का सेवन, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, ये कहीं ना कहीं कारण होता है। हमारे एक साथी ने लिखकर भी बताया है कि हमारी पाचन क्रिया थोड़ी कमजोर है, हम ज्यादा खा नहीं पाते। हाँ। और ज्यादा खाने से हमें एसिडिटी की शिकायत हो जाती है, जिससे बड़ी दिक्कत होती है, सर में दर्द हो जाता है, कोई काम नहीं होता, इसलिए हम अपनी पाचन क्रिया को स्वस्थ बनाए रखते हैं। तो ये अच्छी बात है। तो इसके लिए देखो, पाचन क्रिया हमारी स्वस्थ रहे इसके लिए रेशे युक्त आहार जरूर लेना चाहिए, पानी बहुत पिए, आजकल खासतौर से पिए, शारीरिक गतिविधियां करें यानी व्यायाम करें। हाँ। और इसके संग साथ ही साथ अगर कोई छोटी मोटी परेशानी होती है, जैसे पेट दर्द हो गया, सूजन है अगर पेट में, दस्त आ रहे हैं, या कब्ज जैसे लगातार पाचन विकार लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और डॉक्टर से संपर्क करें। हमें तो लगा तुम कहोगी जो समस्याएं आती हैं जिंदगी में उनको नजरअंदाज कर दें इसके संग संग, यानी कि उनको तनाव न लें। हाँ। और उनसे दूर रहें, क्योंकि तनाव जो होता है हमारी मानसिक स्थिति जो है उस का बहुत अधिक प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। आप देखिए, कभी आप बहुत क्रोध में रहते हैं या बहुत तनाव में रहते हैं तो ना तो आपको भूख लगती है ना प्यास लगती है, और जो आपने खाया है वो पचता भी नहीं है। तो तनाव से दूर रहेंगे तभी जो भी हमने खाया है वो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखेगा। कई बार ऐसा भी तो होता है ना बुआ कि गुस्से में नहीं खाएंगे, मतलब अपना गुस्सा जताने के लिए नहीं खाना खाया जाता, या किसी को ऐसा भी देखा है कि गुस्सा लगता है तो ज्यादा खाना खाया जाता है। दोनों चीजें हैं, लेकिन नहीं, वो शरीर में नहीं लगता है। हाँ, क्योंकि जब ज्यादा खाते हैं तो वो नहीं लगता है। हाँ। जी हाँ, ऐसे ही टीवी आदि देखते हुए, फोन चलाते हुए अगर आप जो खाते हैं वो आपके शरीर में नहीं लगता है। इसीलिए पहले जब खाना खाया जाता था, भोजन जहाँ करते थे वो स्थान अलग होता था, बहुत पवित्र मन से बैठकर खाते थे, और उस समय ना बोलते थे,
मतलब हाँ। आवाज नहीं निकालते थे। हमें तो अपने पिताजी का याद है कि वो जिस समय खाते थे तो वो बोलते नहीं थे, हूँ हाँ बस करते थे, सारी चीजें इशारे से होती थी। यानी जो हम काम कर रहे हैं उसमें मन से भी मन से भी जुड़े रहेंगे तभी वो सारे जो हमारे अंदर के तंत्र हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे और उसमें जुट जाएंगे, यानी पचाने में। बिल्कुल। और एक और बात यहाँ पर जरूरी है बुआ, क्योंकि मतलब थोड़ी सी देखी जा रही है आजकल, तो जरूरी होगी, हाँ क्या देखी जा रही है बताओ, कि मतलब भोजन के प्रति आदर की भावना को बहुत जरूरी है जगाना, क्योंकि जो स्कूल्स में प्रार्थना कराई जाती है भोजन से पहले, या पहले ऐसा घरों में भी ऐसा होता था, तो वो भावना इसलिए ताकि हम भोजन का आदर करें और जो थाली में छोड़ देते हैं या जो नहीं पसंद आ रहा है नहीं खा रहे हैं करके, इन चीजों से भी बचाव करें ताकि सामान्यतया जो मतलब हमारी जीवन शैली है उसमें सुधार रहे। क्या बात है, बहुत जरूरी है। यानी कि हम अन्न का सम्मान करें तो जाहिर है कि फिर जिस समय हम भोजन करेंगे तो हमें लगेगा हम पूजा कर रहे हैं और उसके संग मन शांत रहेगा कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से पवित्र मन के संग बैठकर बनाएं भी खाना, खाएं भी खाना, और इस तरह से अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखें। और हम गाएंगे गाना जी।
तो भाई देखो ऐसा है ना कि पेट की बात हम लोग कर रहे थे, हमारे साथी ने कहा पापी पेट का सवाल है और पेट ही सारे मर्ज की जड़ है। बिल्कुल बात तो बहुत सही कही है हुआ इन्होंने। आज हर 10 में से 3 भारतीय पाचन संबंधी विकार से ग्रसित है। मैं मानता हूँ कि अगर हम संतुलित भोजन करें और थोड़ा व्यायाम, समय पर उठना जागना शुरू कर दें तो हमारा पाचन तंत्र खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो भाई देखो ऐसा है कि खुद ब खुद ही ठीक होगा, हम कहीं वो ऐसा नहीं कि लेके हथौड़ी छेनी लेके बैठेंगे और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई अभी खाना पीना तो ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ आदतें जैसे हम लोगों ने बात की आज, तो वीडियो गेम की भी बात करेंगे, ये भी कहीं ना कहीं हमारे पाचन को प्रभावित करता है। बिल्कुल, लेकिन थोड़ी शांति की बात कर ली जाए। हाँ, तो आज अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस है और संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय ये दिवस हर साल 29 मई यानी को आज के ही दिन मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी साल 2003 में। हमारे साथी ने लिखा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति सैनिकों के असाधारण योगदान का सम्मान करते हैं। 1948 में पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की स्थापना के बाद से 2 मिलियन से अधिक शांति सैनिकों ने 71 मिशनों में सेवा की है, जिससे देशों को युद्ध से शांति तक नेविगेट करने में मदद मिलती है। तो इसका लक्ष्य कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल, है ना? और इस दिन के लिए 29 तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1948 में इसी तारीख को पहला शांति मिशन फिलिस्तीन भेजा गया था, तो हाँ। याद किया जाता है इसको। और इस मिशन का जो उद्देश्य था वो था युद्ध विराम की निगरानी करना, साथ ही साथ स्थानीय अधिकारियों का सहयोग करना, शरणार्थियों की वापसी में मदद करना, ताकि सामंजस्य बिठाया जा सके और ये जो युद्ध के पश्चात जो उहापोह मची रहती है, सशंकित रहते हैं लोग, उसके बारे में लोगों को मतलब थोड़ा सा एक विश्वास दिलाया जा सके, भरोसा दिलाया जा सके कि जीवन का अधिकार जो है वो आपसे छीना नहीं जाएगा, नहीं उनको जाएगा। सुरक्षित रखा जा सके। हाँ। जिस देश में इस तरीके की स्थिति होती है जाहिर है कि उसके बाद बहुत भयावह स्थिति होती है, तो एक सामान्य जिंदगी जीना शुरू करना, इन सब में ये मदद करते हैं इस तरीके के लोग, शांति रक्षक लोग जो होते हैं। और विश्व भर में शांति की स्थापना हो और अभियानों में अपनी सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की बहादुरी, उनके समर्पण को सम्मानित करना, शांति स्थापना के महत्व को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शांति कितनी महत्वपूर्ण है ये बहुत सारी चीज़ों मतलब इतिहास बताता है, चाहे वो अशोक सम्राट अशोक की बात हो कि किस तरह से मतलब उन्होंने किस तरह से देखा युद्ध के विकार को और उसके बाद बिल्कुल वो सन्यासी जैसे हो गए, तो ये सारी चीजें सिर्फ इसीलिए तो है ना। हाँ, और इस मतलब सम्मान और महत्व को बढ़ावा देने के साथ साथ सम्मान भी दिया जाता है। तो भारतीय शांति रक्षक को मिला है UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये इस बार मिला है मेजर राधिका सेन को, जो कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन की के साथ सेवा कर रही हैं, एक भारतीय सैन्य शांति रक्षक हैं, और इन्हें प्रतिष्ठित 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ढेर सारी बधाई देते हैं राधिका सेन जी को और अपने देश के लिए भी गर्व की बात है कि हमारे देश की ऐसी वीरांगना ने कर्तव्य करके दिखाया और ये सम्मान प्राप्त किया। और इस बार इस साल का जो थीम है वो है भविष्य के लिए उपयुक्त, एक साथ बेहतर निर्माण। तो जो हमारे लिए उपयोगी हो, सही हो, वो भविष्य हमारा होना चाहिए और हम सब मिलकर इसका निर्माण करें। और ये तभी संभव है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब जगह शांति हो। क्या होता है कि अगर हम सोचते हैं कि अरे भाई हमारा देश शांत रहे, हमारा घर में शांति रहे, बस ऐसा नहीं होता। आपके पड़ोस में अगर कहीं तकलीफ है तो कहीं ना कहीं उसकी धधक जो है आप तक भी पहुंचती ही है। आपका मन कहीं ना कहीं परेशान होता है कि बगल में क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लोग आपस में बहस कर रहे हैं या लड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। और आशंका भी रहती है ना बुआ कि कहीं वो आग मतलब वहां से शुरू होकर के कुछ वक्त बाद ही सही पर हम तक भी पहुंचेगी, पहुंच भी सकती है। लेकिन अगर नहीं भी पहुंचे, अगर आपने बहुत सुरक्षित कर लिया है लेकिन आपका मन कहीं ना कहीं उद्विग्न होगा, हाँ। अगर आप में थोड़ी सी भी मानवता के नाते हमें मदद करनी होती है, बिल्कुल, तो इस तरीके से शांति सिर्फ एक जगह होने से नहीं होगा या 90% होने से नहीं होगा, 100% शांति और खुशहाली होगी तभी अच्छा लगेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं मिशन में भारत के योगदान की बात करें अगर हम, तो भारतीय सैनिकों को दुनिया के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया गया है, जैसे कांगो अभी बात हो रही है, दक्षिणी सूडान, लेबनान, हैती और साइप्रस, और इन लोगों ने बहुत अच्छा करके दिखाया भी है, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की। बिल्कुल। और क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य में, हाँ, संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में
क्या हुआ? 1888 सैनिकों के साथ साथ भारत दूसरा सबसे बड़ा ऐसा सैन्य योगदान करने वाला देश बन गया है और इसी मिशन के अंतर्गत ही ये अवार्ड भी दिया गया है इनको। बिल्कुल हाँ, वही तो हम कह रहे हैं बार बार कि हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं वो तो यही बात कर रहे हैं कि कांगो में मिला, तो इसके लिए ढेर सारी बधाई और इस कामना के साथ कि विश्व में शांति बनी रहे। बिल्कुल, एक गीत सुनते हैं। उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे। अब लेते हैं छोटा सा अंतराल। ऐसा अंतराल के बाद अब बात कर लेते हैं क्या असर धीरे धीरे, जब तुमने सुनाया तो उसका असर अभी तक है, लेकिन कुछ चीजों का असर जो है वो
सिर्फ हमारे जो हम मतलब जिस चीज़ के लिए करते हैं वो नहीं होता है, पूरा हमारा शरीर जो है प्रभावित कर लेता है और कहीं ना कहीं अपने मकड़ जाल जिसको कहते हैं उसमें जकड़ लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है वीडियो गेम। बिल्कुल वीडियो गेम ऐसा ही है। और पता है बुआ, इसका जो उद्देश्य था इसके अन्वेषण का, वो ये था कि एकाग्रता और जो है सामंजस्य समाज में बढ़ाया जा सके। अच्छा? बच्चों की बुद्धि को तीव्र करने के लिए मतलब इसका इन्वेंशन किया गया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें नहीं लगता ऐसा कोई भी उद्देश्य होगा। ये सब चीजें ठीक है, चलो अच्छी बात है अगर ऐसा उद्देश्य था। फिलहाल जो बात अगर हम कर रहे हैं, जो हम सामाजिक तौर पर देख रहे हैं प्रतिदिन में, और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि पहले तो वीडियो गेम की जगह जगह पर पार्लर बने थे, बहुत से बच्चे वहां जाते थे, उस समय बहुत क्रेज था, बच्चे वहां जाने की जिद करते थे। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है और बहुत सारे साथियों ने स्वीकार भी किया है कि हमारी भी पहले आदत थी और अब हमने धीरे धीरे छोड़ दी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी अभी भी आदत होगी। बिल्कुल, और ज्यादातर लोग मतलब अपना ये दुख प्रकट कर रहे हैं इस माध्यम से। वीडियो एक में हमारे साथी ने लिखा है कि वीडियो गेम की लत के चलते बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चों में सहन शक्ति की कमी का होना, गुस्सैल और चिड़चिड़ा होना, आलसी होना जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। और चूंकि मैं एक शिक्षक भी हूं और इसके लिए अभिभावक अक्सर बच्चों के वीडियो गेम की लत से परेशान है, ये बताते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हमारे बात साझा कर रहे हैं। जब से नए रूप में मोबाइल आया है, हर घर के बच्चे बर्बाद हो गए, वीडियो गेम उनकी पहली चॉइस हो गया। हमारे घर तो दो बच्चे बड़े जो हाई स्कूल और इंटर में हैं, वे पूछने पर बताते हैं कि कोर्स की चीज पढ़ रहे हैं, अब सारा पाठ्यक्रम मोबाइल में लोड हो गया है। उनकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें वीडियो गेम खेलते पकड़ चुके। दूसरे दो बच्चे छोटे अभी 8 साल के आसपास हैं, वे बिना मोबाइल खाना नहीं खाते, उनकी जरूरत बन गया है, जिद पर आ गए तो आसमान उठा लेंगे सर पर, और आस पड़ोस तक बात ना पहुंचे तो बहुएं मोबाइल पकड़ा कर छुट्टी पा लेती हैं। तबियत परेशान है, सबको कितना समझाओ मानने वाले नहीं है। साधारण परिवार में 6 मोबाइल है जिसका चार्जिंग 1500 महीने भर का आ रहा है, फिर हम सरकार पर गुस्सा निकालते हैं कि महंगाई है। ये इन्होंने बहुत सारी समस्याओं को एक साथ बताया है और लेकिन सभी समस्याएं जो हैं वो बिल्कुल जायज हैं और हैं। और ये जो कह भी रहे हैं कि मतलब एक ये भी तो बात है ना वो जो दुष्प्रभावों की बात कर रहे हैं हम लोग, सभी उससे कहीं ना कहीं परेशान हैं, प्रभावित हैं। तो जो लोग इस खेल से जुड़े होते हैं, क्योंकि बच्चे ही नहीं बड़े भी इस लत का शिकार हो रहे हैं और वो अपना ज्यादातर समय इसी पर लगाते हैं, और कई दफा ऐसा भी देखा जाता है कि लोग अपने जरूरी कामों को अनदेखा कर देते हैं इस खेल को खेलने के लिए। अरे तो होता ही वही है, जब आप करने लगते हैं कोई भी काम जो आपके शौक का है या जो आपको इतना ये बांध लेता है। बिल्कुल, ऐसा क्या कि हम जब इसको देख रहे होते हैं तो हम देख तो रहे ही होते हैं, उसके संग संग हमारा दिमाग भी लगा होता है और कहीं ना कहीं उसमें जो संगीत होता है, जो अगर बंदूक चल रहा है, आवाजें हैं, वो सब चीजें इतना बांध लेती हैं आपको चुंबक की तरह कि आप बिल्कुल इधर उधर देखने लायक बचते नहीं हैं, बिल्कुल उसकी गिरफ्त में होते हैं। बैठे तो रहते हैं आप अपने घर में लेकिन वो होते नहीं है, आप सिर्फ शरीर होता है आपका, बिल्कुल है ना, तो आप आवाज दो वो बंदा सुनता नहीं है। शायद यही वजह बनी जो अभी हादसा हुआ था, इसी के चलते बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान उस हादसे ने खींचा और बड़ा दुखद घटना थी। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि इतना ज्यादा उसमें मतलब इंसान खो जाता है कि आसपास में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में उसे पता ही नहीं चलता, और धीरे धीरे करते करते ऐसे में ये भी देखा गया है कि वो स्लीपिंग डिसऑर्डर का भी शिकार हो जाता। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने बताया ना जैसे कि आंखें केवल नहीं प्रभावित होती हैं, पहले तो जैसे हम लोग आंख का कोई काम करते थे जैसे कि किताबें पढ़ना, तो उसके बाद नींद अच्छी आती थी क्योंकि थोड़ा सा हमारी जो आंखें हैं वो थक जाती थी, लेकिन इसमें थकती अलग ढंग से हैं बल्कि तकलीफ देती हैं और कहीं ना कहीं बीमार हो जाती हैं। हमारे साथी ने लिखा है वीडियो गेम किलर गेम, गेम में गाड़ियों को उड़ाते उड़ाते जरा सा बड़ा नहीं होते हैं कि किसी को भी उड़ा देते हैं, क्योंकि इनके दिमाग पर वो खेल हावी रहता है। टीवी स्क्रीन पर अपनी गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी को उड़ाना, अपनी बंदूक से फायर करना, दुश्मन को जित करना गेम में अच्छा है, पर निजी जिंदगी में ये मन मस्तिष्क पर हावी है तो कितना खतरनाक है, ये सोचने की बात है। बिल्कुल, इन्होंने लिखा है अगर हावी है लेकिन वाकई हावी हो जाता है और हमें पता नहीं चलता, हमारी प्रवृत्ति बदलने लगती है। और हुआ ये मतलब पिछले वर्ष भी ऐसी घटना समाचारों में सुनने में आई थी, और इस वर्ष भी ऐसी एक घटना कि जब परिवार में बड़े व्यक्ति या माता पिता कुछ रोकने का या पर मतलब क्योंकि लत इतनी बढ़ गई, वो भी परेशान हो रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर के, मानसिकता को लेकर के, तो वो रोक लगाते हैं
हैं, तो ऐसे में एक बच्चे ने अपनी माता को आहत किया और उनके प्राण चले गए उस घटना में। तो बिल्कुल मतलब वही बात है ना, यही तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जैसे इन्होंने लिखा ना कि बिल्कुल आप बंदूक चलाते देख रहे हैं तो आपको धीरे धीरे वो ठीक लगने लगता है कि ये तो बहुत सामान्य सी चीज है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, है ना। सहन शक्ति जैसे लिखा कि कम हो जाती है, कहीं ना कहीं क्रोध बढ़ता है और एकदम जैसे कहते हैं कि उसमें आप इतने सजग होके खेलते हैं कि कहीं से कोई झांक रहा है इधर देख रहा है तो आप पूरी जिंदगी में वैसे ही अलर्ट रहते हैं और आक्रामक जैसे हो जाते हैं, बल्कि सामने वाला अटैक करे उससे पहले हम करेंगे, तो भले ही उसके पास शस्त्र ना हो लेकिन बातों में भी ऐसा लगता है कि अच्छा इसने हमारे ऊपर कुछ गलत आक्रमण कर दिया, कुछ कहीं ना कहीं हमको ये नीचा दिखा रहा है, कहीं ना कहीं हम हार रहे हैं, तो वो जो जज्बा है, ये सारे जो जज्बात हैं उनको वो बहुत गंभीरता से लेने लगता है और जीत हार में तब्दील हो जाती है पूरी जिंदगी। बिल्कुल, और बच्चों के साथ तो ये भी है कि उनका उतनी बुद्धि विकसित उस समय नहीं हुई होती है ना, उनकी भावनाएं ज्यादा प्रबल होती हैं, तो ऐसे विकार और ऐसी लत का शिकार वो जल्दी हो जाते हैं। और वैसे देखो भाई ये केवल बच्चों पर मत करो, ये बात अलग है कि बड़े बच्चे कोमल होते हैं और जाहिर है कि वो होता है कि वो जिन्हें कहते भी ना कच्ची मिट्टी है, बिल्कुल तो मिट्टी के लोंदे हैं तो उनको जैसे बना लो बन जाते हैं, लेकिन बड़े भी शिकार जब इस तरह से गिरफ्त में आ जाते हैं तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता, तो इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, गीत सुनते हैं तो विचार भी करते हैं। बिल्कुल, तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया, ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया, ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। आँखों से उजाले ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आँखों से उजाले। आँखों का उजाला परदेस ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया, कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दो सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दो। उसको बुला दो सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दो। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया,
कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। देखो भाई, हम बात कर रहे थे वीडियो गेम्स की, साथ ही हमारे लिख रहे हैं कि वीडियो गेम्स की लत तो मुझे भी बहुत थी। आज भी अगर मैं वीडियो गेम्स खेलने बैठ जाती हूँ तो बड़ी मुश्किल से उठ पाती हूँ, इसलिए अब किसी और के बारे में क्या बोलूँ भाई। लेकिन ऐसा है कि हमें लगता है कहीं ना कहीं आप ये समझ तो गई हैं ना कि नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, समय खराब होता है। जी सही है, और इस वजह से थोड़ा सा मतलब हमारी एक साथी उन्होंने भी यही ऐसी ही कुछ लिखी है मिलती जुलती बात की, वीडियो गेम्स की लत उन्हें भी थी और बड़ी मुश्किल से उस पर उन्होंने काबू किया है और कभी कभी बैठ जाते हैं अभी भी, लेकिन तो फिर मुश्किल हो जाती है उठने में। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि इस समय के जगह पर हम कितना कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। तो अच्छा, बिल्कुल बात है कि इसके लिए अगर समाधान की हम बात करेंगे अभी बाद में, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दें कि जैसे कि नशा होता है तो हम बच्चे क्या होते हैं या जो भी इसको जब करने लगता है तो कहीं ना कहीं समाज से वो कटने लगता है, दूर रहने लगता है कि उसके किसी भी कार्य में बाधा ना पड़े, कोई उसे जैसे नशे की बात आती है तो लगता है उसे पहचान ना ले। हाँ। लेकिन वीडियो गेम के बारे में उसे लगता है कि उसके जो भी खेल रहा है उसमें खलल ना पड़े तो बाधा ना आए, तो वो कटने लगता है, कहीं जाना नहीं चाहता है, घर में किसी कोने में ऐसे दुबक के बैठा रहता है कि मेहमान भी आ जाए तो भाई हमें ना मिल पाना। हाँ, तो ना मिलना ही। हाँ। और इसके चलते धीरे धीरे करते करते वो लोग डिप्रेशन का शिकार भी होने लगते हैं, क्योंकि सामाजिक स्वास्थ्य भी हमारा बड़ा जरूरी है और ये सामाजिक स्वास्थ्य हमारा बिगड़ने लगता है, पारिवारिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। तो इस सब चीजों के लिए जैसे कि बाकी बीमारियों के लिए हम सजग रहते हैं, इसके लिए भी सजग रहें। परिवार में माता पिता जो हैं वो या तो बहुत सख्त हैं तो वो न रहें, एक सामान्य सा माहौल बनाकर रखें और आपस में बातचीत का माहौल बना रखना बहुत जरूरी है। हाँ, और बातचीत करें, शुरुआत किसी और मुद्दे से करें, धीरे धीरे मतलब उनकी जनरल बातों से शुरुआत करें और फिर घूमते घामते थोड़ा सा इस विषय पर आएं और फिर इस पर चर्चा करें कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। बहुरिया ऐसा है कि नुकसान की बात न करें, हमें लगता है, यहाँ हम तुम्हें जरूर टोकेंगे कि नुकसान उन्हें भी पता है, जो खेलता है उसको भी पता है, वो खुद भी समझ रहा है, थकता है, उंगलियां उसकी अकड़ जाती हैं, फोन पकड़े पकड़े सब कुछ हो जाता है। ये बताने से बेहतर है कि कहीं ना कहीं उसे और किसी काम में हम व्यस्त कर दें, थोड़े दिन हो सके तो कहीं घूमने चले जाएं, ऐसी जगह जाएं जहां नज़ारे बहुत अच्छे हों, उसकी पसंद की क्या चीज़ है वो करें, कुछ खुद भी ऐसी रचनात्मक कार्य घर में करें, जैसे कोई भी क्राफ्ट का सामान लगा लें कि उसको चलो बनाते हैं मिलकर, है ना, उसमें उसको जोड़ लें कुछ। हाँ, प्राकृतिक चीजों के संपर्क में लेकर के जाएं, जैसे साथ में टहलने जा रहे हैं तो बच्चे को लेकर के चले गए, गार्डनिंग करें घर में, कहीं व्यायाम करें, तो ये सारी बातें, कहीं किसी और विद्यालय में जाकर कोई स्वयं सेवा जैसी चीजें शुरू करें और उसमें उसको इन्वॉल्व कर लें, बच्चे को जोड़ लें कि चलो आज हम लोग चलते हैं फला विद्यालय में कुछ करके आते हैं या तो कुछ और करते हैं, तो कुछ भी मतलब सृजनात्मक चीज जब होती है तो उसमें फिर मजा भी एक लत है। हाँ। कि आप वो भी एक नशा, जब उसको आप करने लगते हैं तो फिर बाकी चीजें नहीं दिखती हैं, पर वो है ये उसमें फायदा ये है कि उससे स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुंचती, इसलिए मतलब कहीं ना कहीं ये बात भी जरूरी है कि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि बच्चे अकेला महसूस करने लगे तो उस तरफ वो मुड़ जाते हैं। आजकल गर्मी अगर है ही गर्मी तो इंडोर गेम्स आते हैं, बोर्ड गेम्स आजकल आ रहे हैं, जो आप कमरे में बैठ बोर्ड गेम्स बहुत तरीके के आ रहे हैं, ताश वाले आ रहे हैं और उसमें गोटियों के साथ आ रहे हैं, उन सबको खेलें तो लू से भी बचे रहेंगे। तो लू से बचाव की बात करेंगे लेकिन गीत सुनाओगी तब। हाँ, नहीं जाए नख देवाली का होए,
प्रचंड गर्मी है, मीठा मीठा गाना तो मिठास दे जाता है लेकिन गर्मी कम नहीं होती, तो घर में रहिए, मीठे मीठे गाने सुनिए। लेकिन हाँ। भाई हमारे बहुत सारे साथी जो ऐसा काम कर रहे हैं उनके लिए तो दिक्कत की बात है। इन्होंने लिखा है कि पूरे देश में अभी प्रचंड गर्मी है, सुबह 8 बजे से ही असहनीय धूप हो जाती है। बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं, उन्होंने तो ऐसे भी लिखा है कि मतलब एक कविता के तौर पर लिख दिया है कि लू से बचाव, इधर उधर ना घूमे, घर ही में रह जाओ, जो अगर जाना भी पड़े छाता पानी भी ले जाओ। वैसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अधिकांश सभी को मालूम ही हैं, जो कोई कार्य जितना भी ज़रूरी आना जाना हो सुबह शाम ठंडे ठंडे में करें, जितना हो सके तेज़ धूप से बचें और घर में ठंडे स्थान पर छाया में रहें। बेल का शरबत, खस, शिकंजी, लस्सी, दही, छाछ आदि का सेवन अधिक से अधिक करें। और ये भी जरूर कहेंगे कि जिन लोगों को मतलब धूप में काम करना पड़ता है, जैसे श्रम अधिक शारीरिक श्रम करने वाले लोग हैं, तो उनसे हमारा ये कहना है कि साथ मतलब बीच बीच में थोड़ा सा एक कहते हैं ना थोड़ा अंतराल लेकर के छाया में बैठ जाएं। भाई देखो हमारे साथी ने लिखा ही तो है ना, जैसे जिनका हम पढ़ रहे थे कि सुबह 8 बजे से असहनीय धूप हो जाती है, 5 बजे से पहले खत्म नहीं होती। आज ही विद्युत खंभे पर हम काम कर रहे थे, 10 बजे दिन में ही ऐसा लगा जैसे कि होश से हो जाएंगे। नीचे उतर कर जल्दी से 2-3 गिलास पानी पिए, क्योंकि जब शरीर में पानी की जैसे ही कमी होगी लू जल्दी लग जाएगा, इसलिए भरपूर पानी पिए। बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपको लगता है तो तुरंत पिए ही पिए, लेकिन आपको नहीं भी महसूस हो रहा है तो नियम बना लें कि थोड़ी थोड़ी देर पर आपको पानी पीना जरूर है। पीते रहें। और साथ ही साथ अभी मतलब लू लगने का जो उपाय है, जैसे तौलिया या गमछा ठंडे पानी में भिगो कर सिर पर रखें, अगर लू लग जा रही है किसी को तो उसके लिए अचानक से घबराना नहीं है, पूरे शरीर को भीगे कपड़े से बार बार पोंछते रहें, जैसे शरीर का तापमान वो है जो है वो बढ़ने नहीं पाए, आम का पन्ना, सत्तू का घोल और नारियल पानी पिए। साथ ही साथ अगर ग्लूकोज वगैरह भी पीते हैं तो फायदा मिलता है। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, ORS भी पिए, बिल्कुल सही आप लिख रहे हैं। और यही हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि दुबके बैठे अपने घर में गर्मी के डर से, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जाहिर है कि नहीं दुबक कर बैठ सकते, बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, धूप में काम करने वाले श्रमिक जैसे हैं, पसीना नहीं ना आना, गर्म लाल और शुष्क त्वचा जब हो जाए तो ये समझ जाइए कि लू लग रही है, पसीना नहीं आ रहा, सिर दर्द हो रहा है, थकान, चक्कर, उल्टियां हो, बेहोश भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, पुतलियां छोटी हो जाती हैं अगर लू लग गई है, तो ये सब लक्षण है। तो लू से बचने के लिए पानी पिए, ये तो बार बार हम लोग कह रहे हैं, खाली पेट न रहें, ठंडे पानी से नहाइए, सर ढक के हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनिए, पूरी बांह के कपड़े पहनिए, बच्चों को बंद वाहन में अकेला न छोड़ें, दिन में 12 से 4 बजे के बीच जो है कोशिश करें कि बाहर न निकलें, है ना। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। बुखार व लू लगने पर निकट के अस्पताल में संपर्क जरूर करें, ये ना सोचे कि ORS और इन सब से काम चल जाएगा, हो जाएगा, ये तो एक मतलब साथ में है, प्राथमिक उपचार जैसा है, लेकिन उसके बाद चिकित्सक से जरूर मिलें। जो मैं छोटी सी होती बहरिया, किसी प्यासी की प्यास बुझा देती, जो मैं चंदा की होती चंदनिया, तो जमीन पे उजाले बिछा देती, जो मैं छोटी सी होती बहरिया। Deeper
तो अब बताओ अब लूप की बात हो गई और हाँ। बदरिया का वाला गीत भी चल गया तो माहौल ठंडा ठंडा हो गया और साथ में व्यंजन भी ऐसा है जिससे माहौल और ठंडा और ठंडा हो जाएगा। भैया कुल्फी जो होती है ना वो खाने के बाद गर्मी लगती है, बहुत प्यास लगती है, लेकिन यही मौसम है कि बस यही खाने का मजा भी तो तभी आता है। और फिर आम हो तो क्या बात है, तो एक लीटर दूध ले लीजिए, उसको उबाल लीजिए, जब 600 ग्राम करीब रह जाए तब एक मध्यम आकार का आम जिसे काट कर मिक्सर में बिना पानी के पीस लीजिए, यानी उसका पल्प निकाल लीजिए, फिर एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर या कॉर्न स्टार्च जो है पानी में घोलकर उबलते हुए दूध में मिला दीजिए, ठीक है। अब आम की जो प्यूरी है उसे मिला दें, साथ में आधा कटोरी शक्कर मिला दीजिए, सारी सामग्री को मिलाकर चीनी घुलने तक चलाते हुए उसको पकाते रहें और जब अच्छे से पक जाए तो उसे उतार कर ठंडा कर लें और सांचे में डालकर फ्रीजर में रख दीजिए। और सांचे में डालने का इसको ढक जरूर दीजिएगा, अगर हम घर के किसी बर्तन में आमतौर पर हम अपने बच्चों की जो जो पसंद होती है कटोरी वटोरी में भी बनाते हैं, लेकिन उसको ढक्कन से ढकिए, नहीं तो सिल्वर फॉयल से ढक दीजिए, नहीं तो उस पर क्रिस्टल आ जाएंगे बर्फ के, तो मजा नहीं आएगा। फिर खाइए मजे से। अच्छा इसमें एक चीज और भी लोग करते हैं कि जब आधी जम जाए तो 2-4 घंटे के बाद उसको एक बार फिर से मिक्सी में निकाल कर चर्न कर लीजिए और फिर से जमा दीजिए तो थोड़ी सी मुलायम ज्यादा बनती है। हाँ, वो बुआ इसलिए भी करते हैं कि उसमें जो बर्फ के क्रिस्टल जमते हैं ना वो ना जमे, नहीं उसके बाद वही मुलायमियत आ जाती है। इसके लिए इसको कर सकते हैं आप, ये भी प्रयोग कर सकते हैं बिल्कुल। और हमारे साथी ने एक भेजा है व्यंजन, मीठा शक्कर पारा। बताओ बताओ। तो एक चाय का कप घी, 1 कप हल्का गर्म दूध, 1 कप शक्कर, 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 2 या 1.5 कप मैदा तलने के लिए घी, 1 चाय का कप घी चाहिए, घी चाहिए, और 1 कप हल्का गर्म दूध ले करके इन सभी को पहले मिला लेते हैं किसी बड़े बर्तन में फैले हुए, और फिर इस मिश्रण में मैदा छान करके आवश्यकता अनुसार डाल लें, मैदा ज्यादा या कम भी लग सकता है। फिर इसको आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें और उसके बाद रोटी की तरह बेल लें और शक्कर पारे का आकार देते हुए काट लें, यानी कि बर्फी के आकार में आप सीधा भी काट सकते हैं, चौकोर भी काट सकते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि छोटी छोटी सी लोई हाथ में तोड़ लेते हैं और सूप या चलनी में उसको ऊपर रगड़ देते हैं तो थोड़ी सी सुंदर सी डिजाइन भी बन जाती है। लेकिन भाई रोटी की तरह नहीं, थोड़ा सा मोटी से मोटा, करीब 3 रोटी अगर पत्ती रोटी बनाती है तो 3-4 रोटी जितना मोटा होगा। और आप मनचाहा आकार दे करके कढ़ाई में घी गर्म करें और फिर धीमी आंच पर इसे तल लें। कुछ लोग इसमें मैदे में जो है वो सूजी भी थोड़ी सी डाल लेते हैं तो कुरकुरापन और आ जाता है। कार्यक्रम इसी तरह से कुरकुरा बना रहे तो हमें दें इजाजत। बिल्कुल, नमस्कार। सखी सहेली सखी सहेली।